ओके सो हाय गाइस, वस्सा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं इस फोटो का गाइस एकदम कंप्लीट फोटो रिटच। एंड गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाऊंगा कि गाइस आपको पूरा का पूरा टोन इस टाइप का कैसे डालना है आपको अपनी फोटो में। तो गाइस, आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट देखना। एंड गाइस, मतलब अगर आप लोगों को किसी भी क्रिएटर का लाइट रूम का रिटच वीडियो चाहिए तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्रिएटर का नाम मेरे को बोल दो। एंड गाइस, मैं आप लोगों के लिए उस क्रिएटर का जो भी मतलब रिटच वाली वीडियोस होंगी सभी मैं वीडियोस आपको ला के दे दूंगा, तो आप लोग कमेंट कर देना। एंड आपको जिस टाइप की वीडियोस चाहिए हो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपको उस टाइप की वीडियोस ला के दे दिया करूँगा। बस आपको ही कमेंट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आपसे ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो हर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप लोगों की जो फोटोज़ होगी उसको आपको पहले जो है वो जो भी फोटो होगी आप पहले सेलेक्ट कर लेना। देन आपको उसको लाइट रूम ऐप में ओपन करना है एंड देन जाना आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में, क्योंकि फोटो की पहले लाइट ने से पहले जो लाइट वगैरह वो ठीक करनी है। तो आपको पहले थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम करना है एंड जो हाईलाइट है उसको प्लस करना है, एंड जो शेडो है गाइस हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट, आपको जो व्हाइट है इसको यहाँ पर थोड़ा कम करना है एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस कुछ जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा कम करना ताकि फोटो में जो ब्लू टोन आ जाए, एंड जो टेंट है इसको भी थोड़ा कम करना ताकि जो ग्रीन कलर है हमारा वो ब्राइट हो जाए, एंड जो वाइब्रेशन है आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड जो सैचुरेशन है आपको उसको थोड़ा प्लस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको गाइस जाना है कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको जो रेड कलर है इसका जो ह्यू है आपको माइनस प्लस करना है एंड जो सैचुरेशन है इसको भी प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऑरेंज कलर में, आपको उसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्लस करना है एंड जो इसका ब्राइट ल्यूमिनस है आपको उसको आगे की तरफ प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको येलो कलर मिलेगा, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है एंड जो यहाँ पे ह्यू है इसको भी आपको थोड़ा यहाँ पे जो है प्लस की तरफ रखना है एंड जो ल्यूमिनस है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको ग्रीन कलर लेना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है आप सभी को एंड जो ह्यू है इसको प्लस कर देना है एंड जो ल्यूमिनस है इसको कम कर देना है। ठीक है, फिर इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है गाइस डार्क ब्लू में, आपको यहाँ पे इसका सैचुरेशन हल्का सा कम करना है। ठीक है, नहीं सैचुरेशन कम नहीं, प्लस कर देना है सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन प्लस करना है एंड जो ह्यू है इसको कम करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका ल्यूमिनस भी थोड़ा कम कर देना है। फिर लेना है स्काई ब्लू, आपको उसका ह्यू को जो है प्लस कर देना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है अब इसमें कलर्स में कुछ नहीं छेड़ना है, आपको यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे जाना पर्पल कलर में, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ह्यू बढ़ा देना है इसका एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। फिर आपको क्या इसमें जाने थ्री पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको मिक्स के बगल में, आपको उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे पहले मैं एंडो करता हूँ, गाइस गलती से क्लिक हो गया। तो आपको क्या करना है, आपका जो शेडो है वाला ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये सैचुरेशन है मतलब पहले जो ह्यू है इसको आपको ले जाना है यहाँ पे, आपको रख देना है आप रख लेना पे 234 तक। ठीक है, फिर क्या उसका सैचुरेशन है आपको उसको रखना है अराउंड, इसको रख लेंगे यहाँ पे हम 24 तक कुछ रख लेते हैं। ठीक है, 24 तक रखना है। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो शेडो के बाद जो है आपको यहाँ पे अभी जाना है, आपको यहाँ पे हाईलाइट एंड हाईलाइट नहीं मिड टोन हाईलाइट में जाना है। हाईलाइट में जाने के बाद आपको जो है इसका ह्यू इसको आपको यहाँ पे बढ़ाते हुए आपको ले जाना है यहाँ पे कुछ अराउंड आपको रख देना है यहाँ पे 59 तक या 60 तक रख लेना। ठीक है, देन आपको उसका सैचुरेशन है आपको उसको भी यहाँ पे प्लस करना है एंड इसको रखना है 55 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक मस्त सी टोन आ चुकी है हमारी फोटो में। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम अब यहाँ पे अपनी जो इस फोटो को यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। ठीक है, एंड डन करने के बाद आपको यहाँ पे आप कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, अभी अब आपको लाइट रूम का काम है जो अभी हम बाद में करेंगे, पहले अभी इसमें कुछ पीएनजीज वगैरह ऐड करने हैं तो उसके लिए करेंगे, पहले हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड सेव करके हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे पिक्सआर्ट में, क्योंकि जो पीएनजी वगैरह वो हम पिक्सआर्ट में लगाएंगे, तो इसको सेव करते हैं एंड यहाँ से ले लेते हैं हम पिक्सआर्ट में। तो अब गाइस क्या करते हैं, हमने फोटो को मैंने पिक्सआर्ट में ले लिया, तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ऐड करना है ये वाला एक पीएनजी। ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ऐड कर लेना ईजिली। एंड आपको क्या करना है, आपको उसको ऐड करने के बाद आपको ऐसे कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अभी मिलेगा ब्लेंडिंग मोड, आपको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है एंड स्क्रीन कर देने के बाद आपको फिर करना है, आपको यहाँ पे जो है ओपेसिटीज की हल्की सी कम कर लेनी है कुछ अराउंड 85 तक एंड इतना करने के बाद एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे करते हैं हम डन एंड उसके बाद आपको इसको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको सेव करके वापस से आपको लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेना है, तो उसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एंड गाइस, हमने लाइटरूम ऐप में ओपन कर लिए फोटो को, तो आपको अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं जाना, आपको सीधा कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है एंड आपको उसकी फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है एंड फोटो क्लियरिटी बढ़ाने के बाद आपको फोटो में विग्नेट डालना है कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रीन अमाउंट, आपको जिसका ग्रीन अमाउंट है आपको उसको बढ़ाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है इस वाले नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पर आपको नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोड रखना है आपको उसको बढ़ाना है
एंड इसके बाद आपको मिलेगा कलर नोटेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटोज एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइज आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा, मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।